30% हमें कुक करना है, ठीक है। तो हम इसे ढक देते हैं, जब एक दो बॉयल आ जाएगा तो हम इसे अच्छी तरह से छलनी में छान लेंगे और इसे ठंडे पानी से हम फिर से धो लेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो हमें इसे 5-10 मिनट में ऐसे पास्ते बॉयल हो जाए। आप देख सकते हैं हमने पास्ता अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। इस तरह से देखिए कितने खिले खिले से बने हमारे पास्ते, ठीक है फ्रेंड। तो हमने अब बनाना है, अब इसे हम एक कढ़ाई मैंने चढ़ाया, उसमें हमने जो डेली यूज़ आप सब्ज़ी के लिए ऑयल यूज़ करते हैं, हमने 2 चम्मच रिफाइन ऑयल यूज़ किया है। अब हम जो वेजिटेरियन हमने काटा था, जो भी हमें सब्ज़ी इसमें काटा था, तो हम एक एक करके इसमें ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले ऐड करते हैं इसमें जिंजर, यहाँ पे हमने जिंजर गार्लिक को हमने चॉप किया था वो है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली, देख सकते हैं हल्का लाल हो गया, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे अनियन। यहाँ पे हम ऐड करेंगे अनियन, ठीक है फ्रेंड। तो हमने जो भी अनियंस काटा था उसे हम हल्का सा इसे चला देते, यहाँ पे हमने कैरेट काट रखा था, जो भी हमने कैरेट, तो हम इसे भी ऐड कर देते हैं। ये देखिए इसे भी हम चला ले। आप चाहे तो गाजर को हल्का सा बॉइल करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आपको अगर अच्छा नहीं है अगर आप देखे तो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने शिमला मिर्च हमें कैप्सिकम जो हमने काटा था वो भी ऐड कर देते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो पत्ता गोभी है हम उसे भी ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पे टमाटर यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हमने सारा सब्जी यहाँ पे यूज़ कर रहे, क्योंकि हम स्पाइसी नूडल्स बना रहे हैं, तो इस वजह से। तो हमने यहाँ पे टमाटो सॉस ऐड करेंगे, टमाटर नहीं ऐड करेंगे। आप चाहे तो हरा मटर है तो आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड है। हम यहाँ पे मटर यूज़ नहीं करेंगे, हमारे पास नहीं था तो हमने आए। अब इसे हल्का सा हल्का कुक करेंगे, मतलब 10% इसे हम कुक करना है, ठीक है। चलिए हम आपको 10% कुक करने के लिए देख सकते हैं, हमने 10 मिनट सब्जियों को भी हमने कुक कर लिया, ठीक है, मतलब हल्का सा इसे सॉटे कर लिया। अब यहाँ पे हम ऐड क्या करेंगे, 1 चम्मच पर सोया सॉस, हमने सोया सॉस जिसे हम चला लेते हैं। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे रेड चिल्ली सॉस, आप चाहे तो विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा सॉटेज करें। आप तो अगर आपको सब्ज़ी में आप ऐड नहीं किए, अगर आप भूल गए सॉस डालने, तो आप पास्ता डालने के बाद भी आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो नमक है, ये हमने हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, और ये पास्ता मसाला, अब ये सब को हम पहले इसमें ऐड कर देते हैं फ्रेंड्स। हमने इसमें हाफ डालेंगे, ठीक है। अब इसे हम 5 मिनट कुक कर लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, हमने 15 मिनट तक इसे कुक किया है, सब वेजिटेरियन डाल के हमने सारा सब्जी डाल के सब 15 मिनट बाद कुक किया, और कुक करने के बाद इसमें तेल आप देख सकते हैं हर तरफ से
निकल चुका। अब इसमें हमने जो पास्ता है फ्रेंड्स, जो हमने बॉईल करके रखा था, ये देखिए खिले खिले से पास्ते हमारे बने हैं, तो हम इसमें सारा पास्ता ऐड कर देंगे, ठीक है। इसे हम अच्छी तरह से चला लेते हैं, ये देखिए ये देखिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने टमाटर तो इसमें ऐड नहीं किया, तो इसलिए हमने टमाटो सॉस ऐड करना है 1 चम्मच है। अगर आपको सॉस पसंद नहीं है तो आप टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, हमें सॉस पसंद है। और जो हमने 1 पैकेट मसाला में, 1/2 पैकेट हमने मसालों में डाला था, अब हम 1/2 पैकेट ऊपर से इसे ऐड करेंगे, ठीक है। 300 ग्राम में अगर आप 1 पैकेट यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनेगा। ये देखो बिल्कुल अच्छे बन गए, एकदम जैसे मार्केटों में मिलता है, होटलों में देखिए पास्ता बिल्कुल वैसे बन गए, ठीक है। तो हम आपको सर्व करके बताते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड, फाइनल लुक पास्ता का आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। और आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जीने की मुझको आदत दे।